अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ टॉपिक हमारा ड्रग एडिक्शन है। हम लोग इसके ट्रांजिशन कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग द थीम ऑफ ड्रग एडिक्शन। मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि थीम बेसिकली मेन आइडिया होता है स्टोरी का, या वो इशू जिसके गिर्द सारी स्टोरी जो है घूम रही होती है। बार बार उस प्रॉब्लम को या उस इशू को डिस्कस किया जाता है टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, जैसे ड्रग एडिक्शन में हमने देखा कि किस चीज़ को बेसिकली डिस्कस किया गया है, द प्रॉब्लम ऑफ द ड्रग एडिक्टर्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर फेसिंग बाय द ड्रग एडिक्टर्स एंड द फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑफ द ड्रग एडिक्टर्स। जो कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो ड्रग एडिक्टर्स को फेस करना पड़ते हैं, एंड और हमारी जो सोसाइटी होती है क्या ड्रग एडिक्टर्स को कबूल करती है, और जब उनको किस चीज़ की, उनको सिचुएशन से निकालने के लिए, ज़िंदगी की तरफ वापस लाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। बेसिकली उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग का बहुत, एक तो इलाज भी उनको चाहिए, लेकिन इलाज के जो ड्रग एडिक्टर्स होते हैं, कोई भी बीमारी है तो उसका इलाज मौजूद है दुनिया में, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और लोग जो है ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाते हैं। लेकिन जो ड्रग एडिक्टर्स हैं उनको अपनी बीमारी के साथ लड़ने के साथ साथ उनको खुद से भी लड़ना पड़ता है। उनके अंदर ही अंदर एक जंग चल रही होती है जिसको लेकर उन्हें चलना होता है। ठीक है, यानी कि उनको अपनी बीमारी के अलावा एक खुद से जंग लड़नी होती है। अगर वो उस जंग पर फतह पा लेते हैं तो फिर जो है वो ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली थीम यही है कि जो ड्रग एडिक्टर्स हैं उनके प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया है, और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं, बहाली सेहत के जो मराकज़ हैं उनके इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया गया है। उसके अलावा ये जो वाइटल रोल होता है काउंसलिंग का इन मेकिंग पीपल लीव अ हेल्दी लाइफ, वो बताया गया है कि लोगों को किस तरह काउंसलिंग करके ज़िंदगी की तरफ वापस लेके आया जा सकता है। ठीक है, आपकी बुक पे भी पेज नंबर 106 पे भी इसका थीम जो है 2 or 3 लाइन में डिस्क्राइब किया गया है, उसको भी पढ़ लेते हैं। थीम रिवॉल्व्स अराउंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। ठीक है, द थीम रिवॉल्व्स अराउंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। वही चीज़ मैंने आपको जो पहले बताई है कि हार्मफुल इफेक्ट जो है, खतरनाक इसके असरात जो है ड्रग एडिक्टर्स पे होते हैं, वो उसके बारे में बताया गया है। इट ऑल्सो रेफर्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिहैबिलिटेशन सेंटर्स इन क्रिएटिंग ड्रग एडिक्ट्स। उसके अलावा किसको रेफर करें, जो बहाली सेहत के मराकज हैं उसके इम्पोर्टेंट रोल को बयान करें, किस तरह को लोगों की लाइफ पे अफेक्ट करते हैं, लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, लोगों को जिंदगी की तरफ वापस लेके आते हैं, उनके इकदाम को डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट, इट हाईलाइट द वाइटल रोल दैट काउंसलिंग प्लेज इन मेकिंग लीव अ हेल्दी लाइफ। कि जो हाईलाइट कर रहे हैं किस चीज़ को, जो वाइटल रोल, इम्पोर्टेंट रोल काउंसलिंग करने वाले लोग, काउंसलिंग के प्रोफेशन से जो रिलेटेड लोग हैं वो अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करें, लोगों की काउंसलिंग करके, उनको मशवरे दे के, उनको उनके अंदर मोटिवेशन पैदा करके, करेज पैदा करके, वो किस तरह इस जंग को जीत सकते हैं, जिंदगी की तरफ वापस आ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है पेज नंबर आप लोग आ जाए 107 पे, इस पर आपको ग्लॉसरी वर्ड्स दिए गए हैं, ग्लॉसरी वर्ड्स हम करेंगे और जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन के आंसर आपको बुक जो है आपकी पायलट की बुक आप लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर से मिल जाएंगे, फिर भी हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। एब्सोल्यूट, मुकम्मल, कंप्लीट, परफेक्ट। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब होता है एक कंप्लीट सिचुएशन। ठीक है, इन्फ्लुएंस, असर, और इसका सिनोनिम आप यूज़ कर सकते हैं हैव अफेक्ट अपॉन। ठीक है, असरअंदाज होना किसी चीज़ पर, टैबू, हराम, ममनू, जिस चीज़ से मना किया हो इस्लाम में, वैसे भी वो ममनू करार दी गई हो, मीन्स फॉरबिडन, कोरेटिव, जो चीज़ आपको सेहत की तरफ लेके वापस लेके आए, शिफायाब करे, उसके लिए आप सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं हीलिंग, रिहैबिलिटेशन, बहाली सेहत, और इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं रिकवरी, रिलैप्स, पहली हालत में वापस जाना, रिलैप्स होता है, वैसे ये यूज़ किया गया वर्ड सिचुएशन में ड्रग एडिक्टर्स जो है अगर उनकी रिकाउंसलिंग नहीं की जाती तो उनका ये ज़्यादा चांसेस 70% ये चांसेस होते हैं कि वो दोबारा से उस सिचुएशन में वापस ना चले जाएँ, पहली हालत में वापस जाना, उसको रिलैप्स वर्ड यूज़ करते हैं, गो बैक। ठीक है, अब इन क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वट आर द काजेज
ऑफ ड्रग एडिक्शन, कॉजेज मीन कौन से वजूहत होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो लोगों में पाई जाती है। तो हमने स्टडी में इसको डिटेल से डिस्कस किया था, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के मोस्टली क्या अफेक्ट कर रहे हैं, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं आपके घर का माहौल, जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है वो बहुत असरअंदाज हो रहा है, उसके अलावा आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, लोग अगर मेंटली डिस्टर्ब होते हैं जिन सुकून पाने के लिए परेशानियों से भागने के लिए जो है ये ड्रग्स जो है इनका सहारा लेते हैं, उसके अलावा जो बैड कंपनी होती है आपकी उसकी वजह से आप लोग जो इस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। फिर देखें व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, कि ड्रग एडिक्शन के इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या जो है अफेक्ट हो रहा है जब हम ड्रग ले रहे हैं तो फिर वो किस चीज़ में असरदार हो, परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस का बायस बनते हैं, जब आप ले रहे हैं ड्रग्स तो वो आपको मेंटली तौर पे फिजिकल तौर पे जो है डिस्टर्ब कर देगी, ठीक है, आपको बीमार कर देगी। व्हाट टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट रोल डू द रिहैबिलिटेशन सेंटर प्ले टू कंट्रोल ड्रग एडिक्शन, ऑब्वियसली द रिहैबिलिटेशन सेंटर्स प्लेइंग आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कंट्रोल ड्रग एडिक्शन बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द ट्रीटमेंट क्योर एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर काउंसलिंग, ठीक है, ये लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं जो है काम कर रहे हैं इस पर, जो एहतियात और इलाज के अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो काउंसलिंग है, तो ये लोगों की क्या करते हैं उसमें मरीज की उसको पूरे एक जो है ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसे ज़िंदगी से मोहब्बत करना सिखाते हैं कि तुम्हारी जो ज़िंदगी है ये कितनी इम्पोर्टेंट है, या जो लाइफ है अगर इंसान एक दफ़ा इसको ख़त्म कर देगा तो दोबारा इसको फिर वो मौका नहीं मिलेगा। बेसिकली जो ड्रग एडिक्टर्स होते हैं इनके अंदर से ज़िंदगी की चाह ख़त्म हो जाती है, ये लोग जो है वो प्यार किससे करते हैं, सुकून से, कि इनको सिर्फ सुकून चाहिए होता है, थोड़ी देर के लिए इनको ड्रग्स दे दी जाती है तो वो जो है मुकम्मल उनको सुकून मिल जाता है, लेकिन फिर वही सुकून उनकी ज़िंदगी को ख़त्म करने का, बर्बाद करने का जरिया बनता है। तो बेसिकली जो ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं ये लोगों की काउंसलिंग करने में और इनको ज़िंदगी की तरफ वापस लाने में, ज़िंदगी की चाह पैदा करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव वर्ड्स आपने करने हैं विद मीनिंग एंड सिनोनिम्स, और इसके अलावा फिर आप लोगों ने 3 क्वेश्चन जो हैं आप कंपोजिशन की बुक से याद करने हैं। आपके हाफिज़।